हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। और इसके लिए मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है। एंड मैं बनाने जा रही हूँ कुकवेयर में जो एमवे का क्वीन कुकवेयर है, और वो भी बिना घी के। तो सबसे देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई भी घी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। सबसे पहले मैं इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर डाल रही हूँ। लगभग आधा किलो मैंने गाजर लिया है ग्रेट किया हुआ। और इसकी खासियत यही है कि इसमें घी के बिना मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, और उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि आप घी डाल के बनाते हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है इसका हलवा घी के बिना। तो एज़ आप सब जानते हैं कि सब बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और सब चाहते हैं कि हम सब हेल्दी रहें, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है क्वीन कुकवेयर का, जिसमें आप घी और तेल के बिना खाना पका सकते हैं। तो देखिए, मैंने डाल दिया है गाजर, और ये अभी अपने खुद के जूस में और जो उसका पानी रहता है उसी में पकेगा। और एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स हम वापस इसको देखेंगे खोल के। तो मैं इसका लिड ढक देती हूँ इसके अंदर, एंड अब आप देख सकते हैं इसकी फ्लेम बिल्कुल लो है। और आफ्टर 2 to 3 मिनट्स हम खोलते हैं इसे, और देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है। और इसकी स्मेल बहुत ही मज़ेदार आ रही है, गाजर की स्मेल बहुत ही मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है, और ये बिल्कुल चिपका भी नहीं है नीचे, और बहुत ही मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। तो ये हर सिक तो गया है ये गाजर, और अब मैं इसमें डालूंगी दूध। इसको दूध डाल दूँगी। आधा किलो गाजर में ऑलमोस्ट मैंने 1/2 लीटर दूध मिक्स किया है। आप अपने हिसाब से जिस तरह से आप रेसिपीज़ बनाते हो आप बना सकते हो, बट चेंज बस यही किया है मैंने कि कुकवेयर चेंज किया है। बाकी आप अपने तरीके से जिस तरह से रेसिपीज़ बना रहे हो आप वही स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लिड इसका पूरा घूम रहा है और बहुत सारे बबल्स भी आ रहे हैं बाहर। इसका मतलब कि ऑप्टिक टेम्प इसमें बन चुका है, और ऑप्टिक टेम्प में ये होता है कि इसके जो भी हम खाना पका रहे हैं उसके सारे विटामिंस और मिनरल्स जो है वो अंदर अपने अंदर में लॉक कर देता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता है। तो खोल कर देखती हूँ, इसमें गाजर ऑलमोस्ट पक चुके हैं, और देखते हैं। देखिए, आपको शायद दिख रहा होगा ये गाजर ऑलमोस्ट पक चुका है, और मैं अब इसमें शक्कर ऐड कर देती हूँ। गाजर तो स्वीट होता है, आपके फैमिली में जितना भी मीठा पसंद कर रहे हो आप उतना डाल सकते हो। और फिर से थोड़ी देर इसको मैं पकने दूंगी। दूसरे पहले कढ़ाई में जो मैं बनाती थी गाजर का हलवा, तो उसमें मुझे बहुत सारा घी डालना पड़ता था, और मैं सोचती थी कि इतना सारा घी खाने से कितनी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा चाहती थी जिसमें मुझे टेस्ट भी मिले और न्यूट्रिशन भी मिले, और ये मुझे इस एमवे कुकवेयर में मिला। इसकी खासियत यही है कि इसमें आप कम घी या तेल में खाना पका सकते हैं, लेस ऑयल कुकिंग भी हो सकता है और विदाउट ऑयल कुकिंग भी हो सकता है। तो ये कुकवेयर मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है, और आप बिल्कुल आप सोच नहीं पाएंगे, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। इसे थोड़ी देर के लिए मैं और पकने देती हूँ। लेट्स ओपन एंड सी। वाओ, ये गाजर बिल्कुल पक चुका है और दूध भी बिल्कुल फिनिश हो चुका है इसमें,
एंड जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी है गाजर की। एंड अब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर वगैरह जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। सी बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि इसमें घी डला हुआ नहीं है, सेम कंसिस्टेंसी है जो हम घी डाल के बनाते हैं। और इसके जिससे जो हमने दूध डाला है उसी से इसका मॉइस्चर, उसका जो घी डालने से जो शाइनिंग आती है वो पूरी आ चुकी है। एंड आप बिल्कुल देख सकते हैं इसी तरीके से गाजर का हलवा हम बनाते हैं घर पे। और आप सोच भी नहीं सकते कि घी के बिना गाजर का हलवा बन सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ कमाल है एमवे क्वीन का, क्वीन कुकवेयर का। और अब इसमें मैं इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। तो फ्रेंड्स देखा आपने मैंने किस तरह से घी के बिना हलवा बनाया। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज। थैंक यू, बाय।